और मुझे ये काम करके इतना सुकून मिल रहा है कि मतलब मैं तो लफ्जों में आपको बयान नहीं कर सकती। मतलब वो घूंघट करके भी आती हैं बेशक, लेकिन पैर लेने आती हैं। तो जब औरतें 2 रुपया खुद की इनकम करने लगती है ना, तो उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती। और हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो। माहवारी स्वच्छता के उद्देश्यों को लेकर प्रधानमंत्री के आह्वान पर जलालपुर में लगा सैनिटरी पैड उद्योग महिलाओं और किशोरियों में आत्मविश्वास भर रहा है, और यह संभव हुआ है स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रवाल के प्रयास से। फीएम फाउंडेशन द्वारा जलालपुर में शुरू हुए इस उद्योग ने लड़कियों की जिंदगी बदल दी है। माहवारी को लेकर कई मिथकों को तोड़ती यह पैड फैक्ट्री फिल्म पैडमैन जैसे किशोरियों के लिए वरदान बना हुआ है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तता ही स्वस्थ बेटिया सशक्त बेटिया अभियान की कोशिश है। गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाने की कोशिश में जुटी है संस्था के निदेशक खुशबू ठाकुर। उन्होंने कहा कि लड़कियों को महीनों के उन खास दिनों में किशोरियों को मिथक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास के साथ बेबाकी से माहवारी संबंधी समस्याओं को दूर करने और इस पर चर्चा कर इसके निदान करना चाहिए। हार्मोन असंतुलन एक आम समस्या है, इसलिए संस्था सुरक्षित तरीके से महिलाओं तक पहुंच माहवारी स्वच्छता के लिए ही जरूरतमंदों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराती है। देखिए निर्माण को लेकर वितरण प्रक्रिया के बारे में क्या कुछ कहा खुशबू ठाकुर ने। महिलाएं कहीं ना कहीं पीरियड्स पे खुल के बात नहीं करती थी, वो पैड का पैकेट भी नहीं खरीदती थी, जो कि बहुत सारी बीमारियों को वो खुद से बुलावा देती थी, और कहीं ना कहीं उनको इसके बारे में लोग जागरूक भी नहीं कर पाते थे, बताया भी नहीं जाता था। बहुत सारी महिलाओं को तो पैड के बारे में पता भी नहीं होता था। तो ये प्लान था, मेरा ही प्लान था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किला से इसका अनाउंसमेंट किया था, तो मेरी इस पर बात हुई माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से। तो उनको भी लगा कि हाँ, ये महिलाओं के लिए हित के लिए काम है और बहुत अच्छी काम है, इससे महिलाएं जागरूक होगी, बहुत सारी बीमारियों का मतलब आना बंद हो जाएगा। तो जैसे आप देख रही हैं कि ये प्लांट लगाया गया, और कैसे हम यहाँ पे प्रोडक्शन खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद उसको पैक करते हैं, एक पैकेट में 6 पीस होता है, और हम जगह जगह जाके कैंप लगाते हैं। उबड़ी में कैंसर से बचाव होता है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती पैड यूज करने से, बांझपन का शिकार नहीं होना पड़ता है, ये काफ़ी फ़ायदा उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है इससे। कहीं ना कहीं आपको भी सुनने में मिलता होगा कि हर घर में यूट्रस से जुड़ी महिलाओं को प्रॉब्लम हो जाती थी, अब अगर वो पैड का इस्तेमाल कर रही है, और इनमें उन लोगों का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, हम फ्री में उन लोगों को देते हैं, और उन लोगों को जब फ्री में मिलता है, क्योंकि उन लोगों को ये एक्स्ट्रा खर्च लगता था। तो हमारा यही प्लान था कि जो महिलाएं नहीं खरीद पाती हैं और उनको हम देते हैं और वो यूज करती हैं, और काफ़ी महिलाएं इस चीज़ से बताती भी हैं, क्योंकि उनको इन्फेक्शन चकते मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, जिससे उनको फिलहाल 1.5 साल से हम 1.5 साल 1.5-2 साल से ये काम कर रहे हैं, और काफ़ी उन लोगों को राहत मिली है इस सब मतलब। अच्छा, पैड तो बहुत ज़्यादा था, अब तो फिर भी महिलाएं घर से निकल रही हैं, लेती हैं पैड, लेती हैं मतलब वो घूंघट करके भी आती हैं बेशक, लेकिन पैड लेने आती हैं। काफ़ी चेंजेस आए हैं पहले से। तो पहले तो जाती थी मैं, पैड देती थी तो लोग हाथ बाहर नहीं निकालती थी लेने के लिए, मुझे बोलना पड़ता था कि मैं भी औरत हूँ, मैं खुद पे एग्जांपल देती थी और मैं उन लोगों को बताती थी, तो तब वो लोग लेती थी। और आज तो वो लोग खुद से, अगर जिनको नहीं मिलता है ना, वो वहाँ पर हल्ला करने लगती है कि मुझे भी पैड चाहिए, मुझे भी पैड चाहिए। या अगर खुदा न खास नई बहू हैं, नहीं निकल पा रही हैं गाँव में, क्योंकि आप समझ रही हैं कि नई बहू बहुत जल्दी घर से नहीं निकलती, तो उनकी सास या उनकी जेठानी या उनके घर की कोई लेडी, तो वो खुद से बताती है कि हमको पैड चाहिए, हमारे घर में भी बहू है। ये मतलब काफ़ी चेंजेज आया है पहले से, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जागरूक करने का उन्हीं लोगों का उद्देश्य है मेरा। और मुझे ये काम करके इतना सुकून मिल रहा है कि मतलब मैं तो लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकती कि अगर मेरी वजह से किसी को मैं थोड़ी भी सपोर्ट कर रही हूँ, या उन लोगों का 2 रुपया बच रहा है, या उन लोगों को बहुत सारी बीमारियों से बचना पड़ रहा है, तो बहुत खुशी मिलती है। जो यहाँ पे प्लांट लगाया गया फीएम फाउंडेशन के द्वारा,
काफ़ी मैं तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का, जो महाराजगंज से सांसद हैं, शायद आप लोग सबको जानती ही होंगे, और उनके साथ साथ FEEM फाउंडेशन के जो जिन्होंने ये प्लान बताया और जो इसमें सपोर्ट किए शैलेश जी, उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारी पूरी टीम जो देखेंगी लगभग सब, ये अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं जो काम कर रही हैं और कितने अच्छे से काम कर रही हैं। को जब औरतें 2 रुपया खुद की इनकम करने लगती है ना, तो उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती। और हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो, उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना हो। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और भी एक दो चीज़ें लगने जा रही हैं जो कि महिलाओं के हित में है और महिलाओं के रोज़गार के लिए है। और इन सब चीज़ों का श्रेय मैं बार बार कहना चाहूँगी कि माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को जाता है, जिनके वजह से आज हम सब महिलाएँ इतना कुछ कर पा रही हैं।